येस वी आर लाइफ नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत्याकाल असल फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन समझेंगे इम्पोर्टेंट थर्टी मार्क्स की वेटेज है आपके पैसेज की हिंदी और इंग्लिश या दोनों लैंग्वेजेस को मिलाकर के अप्रोच सेम ही रहती है आज हम हिंदी के दो पैसेज सॉल्व करेंगे जिसमें एक कविता होगी और एक आपका यानी एक पद्यांश होगा और एक गद्यांश होगा एक अनसीन पैसेज आपके आते हैं चार टोटल पेपर में दो हिंदी में दो इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज अगर आपने ली है तो दो दो पैसेज आपको देखने को मिलेंगे तो समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए क्योंकि ये कभी भी रिपीट तो होता नहीं है पेपर में कि सेम एज इट इज ही पैसेज उठ करके आ जाएगा बट आपको जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं अगर यहां मैं बात करूं सी की या टीचिंग एग्जाम्स की तो आपको पैसेज उसी तरह के सॉल्व करने चाहिए ना कि कोई भी रैंडम पैसेज के आपका मन किया एसएससी का पैसेज उठा लिया मन किया आपने यूपीएससी का पैसेज उठा लिया पैसेज में ऐसा नहीं करना चाहिए जो एग्ज़ाम आप देने जाने वाले हैं उसी तरह के एग्जाम को मतलब उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर को सिंपली आपको सॉल्व करना चाहिए पैसेज क्यों क्योंकि पैसेज का जो टाइप है जो अप्रोच है जिस तरह के पैसेज इवन जितनी लेंथ का पैसेज पूछा जाता है वो लगभग सेम ही रहता है हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बहुत मतलब आठ दस दिन हो गए ऑलमोस्ट और एक ऑलमोस्ट आफ्टर अ वीक हम मिल रहे हैं सैटरडे संडे तो मैंने ऑफ किया ही था लास्ट और इस बार भी फिर सैटरडे संडे आपका रहा ऑफ तो इस बीच बहुत सारी चीज़ें नहीं मुझे पहले तो जाना था दो दिन के लिए कहीं फिर मैं वहाँ से आई मेरी तबीयत हो गई ख़राब फिर मैंने एक ग्लास लगाई भी आपको पता है ये क्लास कई दिनों से लगी हुई है मेरी नानी जी की डेथ हो गई फिर से क्योंकि मैं जगी रह गई और वो जो तबीयत खराब थी वो फिर से ख़राब हो गई तो इस चक्कर में ये सारी प्रक्रियाएँ होते होते पूरा एक हफ़्ता हमारा नष्ट हो गया बट कोई नहीं आज से मैंने आ, बैच में भी ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रही थी बैच पे ले रही हूँ बैच में ले रही हूँगी इस हफ्ते कुछ नहीं हो पाया ना बैच की क्लास हुई ना यूट्यूब की क्लास हुई आज से मैंने कंटिन्यू किया है दोनों को हालांकि मैं बैच में ऑलरेडी या यूट्यूब पर भी हम काम तो कर ही रहे थे बैच में थोड़ा और स्पीड से चल रही थी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हफ्ते भर की छुट्टी हुई बट अगेन मुझे खुद को अच्छा नहीं महसूस होता और हमारे पास समय है एग्जाम में अभी काफ़ी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है बट एक फ्लो टूट जाता है स्पीच जो लोग डेली पढ़ाई कर रहे होते हैं वो मैं समझती हूँ वो आपका अब से बन जाएगा चलिए खैर इनको सॉल्व करने की दो तीन टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप पैसेज सॉल्व करें उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि पैसेज सॉल्व करना अपने आप में एक माइंड के जैसा है कि आपने बना लिया तो ईजी लगेगा नहीं तो आपको मुश्किल लगेगा बहुत सारे लोग यही इसी दुख में रहते हैं कि हमारे पैसेज में नंबर नहीं आते पैसेज में नंबर नहीं आते पैसेज तो में नंबर नहीं आएंगे अगर हम सही अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बात सही है नहीं अब डेली हम शाम को नौ बजे मिलेंगे कल हम आपके टॉपिक से शुरू करेंगे नयन तरस गए आपके दर्शन के लिए बिल्कुल राहुल सेम मैं भी मतलब काफी दिनों से मिस कर रही हूँ आप लोग को तो काम ना करें ना इंसान तो अच्छा खुद भी नहीं लगता जो काम करने वाला व्यक्ति होता है पिछले आठ साल से मैं लगातार काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि बहुत बढ़िया महसूस नहीं होता एक दो दिन इंसान को लगता है हाँ चलो यार रिलैक्स कर लेते हैं ये वो तो, अगेन फिर वो अशांति आ जाती है अगर आप काम नहीं कर पा रहे होते हैं तो खैर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जो भी रेलिवेंट पी होंगी या नोट्स की भी जो फ्री नोट्स की भी इवन पी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो लोग बैच में नहीं भी हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं लेट्स लर्न स्क्वाड नौ लाख प्लस लोग हम लोग जुड़े हुए हैं किसी भी फेक टेलीग्राम चैनल से चैनल से प्लीज़ मत जुड़िएगा और ये सी का बैच है जिसमें सारे टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैं अपना सी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी डिस्कस करती हूँ करियर विल ऐप डाउनलोड करके बैच में एनरोल करके फिर आप वेबसाइट से लेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट डायरेक्ट ऐप से लेंगे तो वो ट्वेंटी परसेंट हाइक पे या फीस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी कुछ तो गूगल की पॉलिसी एंड ऑल है उस चक्कर में तो ये एक बेसिक सी बात हुई तसल्ली से आप बैच में पढ़ सकते हैं नोट से लेके आपको एक किताब भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैच लेते हैं हर साल हजारों लर्नर्स निकलते हैं देखिएगा अगर हम बात करें ये पैसेज है आपका जिसको हम गद्यांश कह देते हैं यानी जो प्रोज कह देते हैं इंग्लिश में हम और एक और पैसेज है जिसको हम करने वाले हैं वो है आपका पोइट्री कह देते हैं या कविता कह देंगे ठीक है ना तो जो लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू जिन्होंने भी लिए दोनों क्योंकि लैंग्वेज वन में पोएट्री जनरली आती है यानी कविता आती है और लैंग्वेज टू में दोनों ही प्रोज वाले जो है आपके आ जाते हैं यानी दोनों ही गद्य आ जाते हैं इतनी बात ठीक है तो यहाँ पे एक कविता है और एक आपका इंग्लिश का पैसेज मैं अलग से किसी दिन कराऊंगी लेकिन इंग्लिश वाले भी इसको देखें क्योंकि बेसिक जो दो तीन चीजें मैं शुरुआत में, में बताऊंगी वो सब में सेम रहेंगी जैसे जब हम पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कुछ लोग कहते हैं पहले आपको मतलब दो तरीके हैं कहते क्या है सबका अपना प्रेफरेंस है कि आपको पहले सॉल्व पढ़ लेने चाहिए और उसके बाद पैसेज को पढ़ना चाहिए दूसरी एक टेक्निक आपको पहले पैसेज को पढ़ लेना चाहिए आपका जो बढ़िया हैं बस मेरा इसमें थोड़ा सा अगर पैसेज छोटा है यानी इस तरह की कविता है तो आप फटाफट से कविता को पढ़ लो है ना अगर इसमें दो तीन चीजें जो आपको हिंदी इंग्लिश के पैसेज सब में ध्यान देने योग्य हैं कि अगर मैं बात करूं जिनका पैसेज नंबर करते हैं उनको आज के बाद काफी हेल्प मिल जाएगी अगर ये दो तीन चीजें वो अपना लें कि अगर पैसेज छोटा है स्मॉल पैसेज है तब आपको पहले फटाफट से पैसेज ही रीड कर लेना चाहिए बाद में क्वेश्चन पढ़ लो अगर पैसेज छोटा सा है ये चार छह लाइन का पैसेज है आठ लाइन का पैसेज है तो पढ़ लो ना एक बार क्या दिक्कत है अगर आपके पास समय नहीं है पेपर छूट रहा हो एंड में आप सॉल्व कर रहे हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ क्योंकि अभी ये जो इसमें कुछ छह क्वेश्चन है आई थिंक छह या पांच क्वेश्चन है उन पांच में से चार या तीन क्वेश्चन जो है छह में से चार क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बिना पैसेज पढ़े इस पैसेज की मैं बात कर रही हूं किसी और पैसेज में भी आधे क्वेश्चन तो एटलीस्ट सात क्वेश्चन तीन चार तो सॉल्व हो ही जाएंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होगा कि आपको वो कॉमन सेंस होना चाहिए और एक दो क्वेश्चन तो व्याकरण के भी होते हैं अलग से व्याकरण नहीं पढ़नी है बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए ठीक है बात तो जब स्मॉल पैसेज हो और समय ठीक तरीके से आपने मैनेज किया है तो आप पहले पैसेज को पढ़ लीजिए अगर पैसेज बड़ा है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट से और उन क्वेश्चन में से जो जो टर्म्स हैं जो मेन मेन टर्म्स हैं जैसे मान लो कहीं आपने क्वेश्चन पढ़ा शीश तो आप पैसेज पर जाके शीश के साथ सॉल्व कर सकते हो कहां आपको शीश दिख रहा है ठीक है तो ये दो तीन टेक्निक्स हैं एक तो ये कि जब पैसे छोटा है और टाइम मतलब पैसे छोटा है तो पहले पैसेज पढ़ लो बाद में क्वेश्चन अगर टाइम कम है तो हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ो क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज सॉल्व कर नहीं भी पाए पेपर छूट गया लास्ट में भगवान ना करे ऐसा हो बट अगर आपको लग रहा है समय कम है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो उसमें से आधे क्वेश्चन आपके बिना पैसेज पढ़े हो जाएंगे तो ये दोनों ही टेक्निक्स आपको मैंने बता दी ये दोनों ही बातें आप ध्यान रख सकते हैं नॉर्मल केस में क्या करना है नॉर्मल केस में अगर पैसेज छोटा है पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पे जाओ और अगर पैसेज बड़ा है तो क्या करें भाई नॉर्मल केस में अगर पेपर छूटता हुआ नजर आए या बहुत कम समय हो लास्ट में तो सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व कर दो क्योंकि एक प्रत्यय ये उपसर्ग प्रत्यय तो आपको आते ही है दो चार क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे तो कम से कम वो जीरो होते नंबर उससे तो ज्यादा ही हो जाएंगे अगर पैसेज बड़ा है नॉर्मल केस में तो आप पैसेज बाद में पढ़िए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कराएंगे भाई तो पैसेज पहले पढ़ लीजिए अगर छोटा है पैसेज बाद में पढ़िए यदि पैसेज बड़ा है जैसे ये एक बड़ा पैसेज है और उसमें नौ क्वेश्चन है तो इन नौ में से पक्की बात है कि तीन चार क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे ठीक है ना हालांकि ये पैसेज एक्सेप्शन है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पैसेज से ही सॉल्व हो रहे हैं तो पहले हम कविता वाला पैसेज सॉल्व करेंगे फिर हम इस पर आएंगे या एक क्वेश्चन अगर हम करना चाहें हमने जैसा कि कहा पहले हम डायरेक्ट देखो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ये तो खैर क्लास की बात रही कि आप पहले पैसेज पढ़ें हाँ अगर बड़ा पैसेज है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए पैसेज पढ़िए यदि स्मॉल पैसेज है फिर क्वेश्चन पे जाइए देन क्वेश्चन ठीक अगर पैसेज बड़ा है सेकेंड पॉइंट क्या है अगर पैसेज बड़ा है पैसेज यदि

पैसेज में तो अगर इस तरह के टर्म है, तो वो टर्म डायरेक्टली आप पैसेज में जाकर के सर्च कर सकते हो इजी हो जाता है तो, तो क्वेश्चन तो, बाद में क्वेश्चन छोटा है तो पैसेज पढ़ लो ना दो सेकेंड लगेंगे जैसे पैसेज नहीं पढ़ा बड़ा पैसेज है एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बिना पैसेज पढ़े पहला क्वेश्चन है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है Not पूछा है विशेषण विशेष्य का विशेषण क्या होता है भाई जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेष्य क्या होता है इसी के आसपास का कुछ होता है अगर नहीं भी बता सब कुछ आपको पता हो जरूरी नहीं है आप पूरी ग्रामर के रट्टे लगा के जाए व्याकरण पढ़ के जाए जरूरी नहीं है क्या हो गया ऐसे रोबोटिक मोड में क्यों बैठी हो टेढ़ी होके मुझे लगा पता नहीं क्या बता रही हो आप बोल दे मुझे लगा निशा का दिमाग घूम गया मैंने पता नहीं ऐसा क्या बता दिया आज बहुत दिन बाद बैठी है वैसे भी पूल पे अब डेली हम लोग मिलेंगे आपके साथ शाम को नौ बजे फ्री नोट स्लेट्स वाले वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे देखिएगा विशेषण विशेषय का उदाहरण नहीं है थोड़ा से थोड़े से मुश्किल है दोनों ही पैसेज है ना डिफिकल्टी लेवल क्योंकि पेपर टू को ध्यान में रख करके लिया गया है बट जरूरी नहीं है अगर मुश्किल से मुश्किल भी आएगा तो यही आएगा है ना मुश्किल से मुश्किल भी तो क्या यही चल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया पे देखो तो मानव अस्तित्व किसका विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है पेयर बने हुए हैं जोड़े आध्यात्मिक दुनिया यानी दुनिया कैसी है आध्यात्मिक यानी विशेषता क्या है दुनिया की आध्यात्मिक होना तो विशेषण विशेष की बात हो रही है किसी की तो विशेषता बताई जा रही है किसी और के द्वारा रूपात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन तो किसी की तो विशेषता किसी के द्वारा बताई जा रही है कॉमन सेंस है अंधेरे युग युग कैसा है अंधेरा यानी विशेषता बताई जा रही है किसी दूसरे विशेष की विशेष की विशेषता बताई जा रही है मतलब कुछ तो चल रहा है दोनों का आपस में दुनिया क्या है आध्यात्मिक तो उसकी विशेषता है वही विशेषण तो सबको ही पता है विशेष ना भी पता हो तो रूपात्मक परिवर्तन कैसा परिवर्तन रूपात्मक परिवर्तन अपने आप में विशेष है अगर हम बात करें अंधेरे की युग कैसा अंधेरा अंधेरे युग लेकिन अस्तित्व क्या मानव कोई सेंस है पवित्र अस्तित्व कुछ तो अस्तित्व के बारे में बताया होता या मानव की कोई विशेषता बताई होती यहाँ पे विशेषण मतलब जो संज्ञासवर नाम है उसकी विशेषता बताने वालों को हम विशेषण कह रहे हैं विशेषण की जो विशेषता बताया हम विशेष्य कह दे रहे हैं लेकिन वैसा सा बन ही नहीं पा रहा मानव अस्तित्व क्या है ये तो एक बेसिकली संज्ञा जैसा लग रहा है साथ में कोऑर्डिनेट होकर तो यही सही नहीं है बाकी सारे तो पेयर है और पेयर वाले क्वेश्चन को पहचानना बहुत आसान होता है मानव अस्तित्व मानव का कैसा अस्तित्व ये तो बताया ही नहीं है ना तो कुछ पवित्र अस्तित्व कुछ तो बात चल रही होती है कि विशेषण की बात हो रही है विशेषता साथ में दिया हुआ है कि इसके बारे में इसकी विशेषता बता रहा है कुछ तो हो नहीं तो मानव अस्तित्व यहां पे विशेषण विशेष्य का पेयर नहीं बनाता उदाहरण नहीं है अब इसके लिए हमें कोई भी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है ये कॉमन सेंस थी वैसे तो मैंने सोचा था कविता वाला पैसेज आपको पहले कराऊंगी बट कोई बात नहीं इधर आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है भाई किसी का मन कर रहा है अब यहां पे अपनी बहुत ज्यादा दिमाग को नहीं लगाना है अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे खूबियों को पहचान ले संघर्षरत रहे अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे अपनी कमियों को जान ले हमें नहीं पता हमें पैसेज के पास जाना है इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी है ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में या व्याकरण वाले क्वेश्चंस में लगानी है हमने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन दो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम देखेंगे बिना पैसेज के हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं फिर हम पैसेज पे आएंगे यहां समय लग रहा है क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम लेके आपको पूरी कहानी सुना करके सोल्व कर रही हूं पेपर में समय नहीं लगेगा अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे करेंगे सोल्व जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया सेकंड हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसको पैसेज की डिमांड है क्वेश्चन नंबर पे आए अब आप लोग जवाब दो पोल में इसका फटाफट से जवाब दे दोगे क्यों आसान सी बात है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा बचपन से पढ़ा है हमने अलग से व्याकरण रटने की जरूरत थोड़ी है कुछ व्याकरण के टॉपिक करने हो बिल्कुल भूल गए हो तो यूट्यूब से रिवाइज कर लो किसी किताब से कर लो बैच में हो तो पढ़ाया जाएगा सब कुछ तो अध्यात्म की अगर हम बात करें अध्यात्म शब्द में क्या लगाया एक प्रत्यय लगाया प्रत्यय मतलब जो पीछे आए उपसर्ग मतलब जो आ गया आए सिंपल बात है तो अध्यात्म में क्या पीछे लगाए हम प्रत्यय मतलब पीछे अध्यात्म में एक एक प्रत्यय अगर लगाएंगे आध्यात्मिक बन जाएगा अब आध्यात्मिक सिंपल लिखा हुआ है लेकिन हम बाकी भी चेक कर देते हैं ये आध्यात्मिक है ना आधा ध आएगा ना इसमें पूरा नहीं आएगा आध्यात्मिक में आध्यात्मिक इसमें अगायब है है ना आध्यात्मिक बना दी यहां पे बड़ी की मात्रा लगा दी तो गड़बड़ हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है आध्यात्मिक एक प्रत्यय लगा भी दिया आपने आध्यात्म में एक लगाया जोड़ा लास्ट में आध्यात्मिक बन गया और आध्यात्मिक में एक तो आधा ध आता है दूसरा छोटी की मात्रा आती है क्योंकि मीक नहीं है जो लोग बोलते गलत है उनको दिक्कत होगी इसमें अगर जो सही हिंदी का उच्चारण करता है उसको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में ठीक है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी है तो, तो ये आध्यात्मिक होगा ना कि आध्यात्मिक लिख के भी देख सकते हो खुद से मतलब मेरा इसमें यही रहता था कि अगर आप खुद से लिख के देख लो ना तो आपके हाथ की अपनी एक मेमोरी है है ना भाई मसल मेमोरी बोलते हैं ना उसको तो आप खुद से लिख के देख लो अगर इसको बिना देखे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दो क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सोल्व हो गए आप सभी सही जवाब दे रहे हैं बिना गद्यांश पढ़े अभी तक अब ये कह रहा है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है हमें नहीं पता गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है हम अभी थोड़ा रुक के देखेंगे अभी हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो हमसे बिना पैसेज के सॉल्व हो जाए ठीक पहली नजर में आदि मानव ने क्या किया हमें नहीं पता पैसेज से पता चलेगा मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है यह तो हम कर जाएंगे आराम से ये तो आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए में, में प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है यानी क्या प्रत्यय और क्या उपसर्ग मानव शब्द में लगा सकते हैं उपसर्ग जो आगे आए प्रत्यय जो पीछे आए ये हमने बचपन से पढ़ा है अब मानव में प्रत्यय और उपसर्ग पहले क्या लिखा हुआ है प्रत्यय तो पहले प्रत्यय लगा के देख लो क्योंकि यहां पे पहले प्रत्यय दिया होगा जो वहां लिखा है उसी सीक्वेंस में हमेशा देखा करो कि पहले प्रत्यय दिया है तो पहले प्रत्यय ही मिलेगा आपको यहां पे ये सारे प्रत्यय मिलेंगे और उपसर्ग आपको उपसर्ग और यानी प्रत्यय के बाद उपसर्ग लिखा हुआ है तो लास्ट में उपसर्ग है जो कॉमा के बाद है तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां एक नंबर कटवा देती है कई बार ठीक तो अगर हम देखें मानव में प्रत्यय पीछे क्या लगाएंगे मानवीयत मानवीयत तो कुछ नहीं होता मानवीय तो हमने सुना है तो यानी ये तीनों तो सही है फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया मानवीय थोड़ी होता है कुछ तो मानवीय होता है ठीक है शुरुआत में क्या लगाए सुमानव अमानव सुमानव सुना है कहीं नहीं अमानव सुना है हाँ हम कह देते हैं बड़ी अमानवीय काम है भाई आपका है ना ये तो बड़ी अमानवीय घटना हो गई तो ये तो ठीक है अनमानव तो कुछ नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन ही है अब इसमें पैसेज पढ़ भी लोगे तब भी जवाब यही रहने वाला है और पैसेज में जरूरी नहीं है ये वाला जवाब आपको मिल जाए है ना मिल भी सकता है नहीं भी तो यह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी नौ में से तीन क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बिना पैसेज पढ़े। मानव कौन से तीन हमें नहीं पता करेंगे नहीं क्योंकि हम पैसेज पढ़ के ही कर देंगे प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था अब ये पैसेज ऐसा है क्योंकि बड़ा पैसेज है तो इससे क्वेश्चन पैसेज वाले ज्यादा पूछे जाते हैं छोटे पैसेज में कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे मोर देन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आपके छोटे पैसेज में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बिना पैसेज पैसेज पढ़े बट छोटा है तो खुद से पढ़ लो अब यहाँ पे नौ में से तीन क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सोल्व हो चुके हैं अब हमें छह क्वेश्चन के लिए बाद में हम पैसेज पढ़ेंगे क्योंकि हमारा तीन का तो काम ही खत्म हो गया यहाँ पे अब हमें सिर्फ छह क्वेश्चन पर फोकस करना है और फटा फटाफट से अब हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या पूछा है पैसेज पे जाकर के ये तो हमारे काम का नहीं है ये है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ऑफलाइन पेपर में आसानी होती है क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके सामने ही होगा तो आप देख लोगे अब हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य उन्नति पे जाना है हमें अगर उन्नति मिल जाए तो उन्नति शब्द कहीं मिल जाए तो हम जाएंगे ये रहा पहली लाइन में उन्नति दिया हुआ है है ना डर ड करके हम ढूंढ लेंगे तो उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है पहली बात तो उन्नति को हमने अंडरलाइन कर लिया है ना आगे की उन्नति नहीं बस इसी पे चलते हैं इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं यानी उनको क्या करना है उन्नति के मार्ग से प्रेरित होकर यानी वो उन्नति कर सके इसलिए वो क्या कर रहे हैं पहले अपनी खामियों का पता लगा रहे हैं कि प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने में उन्नति में दिक्कत कहां आएगी उनमें क्या खामियां उनकी वीकनेस क्या है कल को आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीकनेस का पता लगाएंगे ना तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं हमें जवाब मिल गया इससे आगे हम क्यों जाएं तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे हां ठीक है संघर्ष रहे रत रहे और विद्रोह करे अपनी खूबियों को जान ले देखिए जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे पैसेज में जो लिखा है वो सही है ये सारी बातें अपनी जगह सही होंगी बट हमें पैसेज के अनुसार जाना है अपनी कमियों को जान ले पहली ही लाइन में लिखा हुआ है ठीक है ना तो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है आप कहीं हाँ हाँ ऐसा तो होता ही है भाई लक्ष्य की ओर नहीं चलूंगा कैसे पेपर पास होगा बट आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जाना है तो अपनी कमियों को जान ले वो जब प्रगति के मार्ग पे चल रहा हो या उन्नति के मार्ग पे चल रहा हो तो ठीक है कहीं और उन्नति यूज हुई है क्या पैसेज में देखो एक बार कहीं और पैसेज में उन्नति शब्द यूज हुआ है एक तो यहां था ठीक है ना मान लेते हैं कहीं और भी दिया हुआ हो तो भैया हम दोनों जगह पढ़ लेंगे क्योंकि हम टैग वर्ड से ढूंढ पैसेज, तो पैसेज में एक जगह और, और जगह किसी को दिख रही है उन्नति हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी अब ये अलग कहानी कह रहा है वही शुरुआत वाली बात ही यहां निश्चित है कि जब प्रगति मार्ग पर चल रहा है तो क्या करे वो अपनी कमियों को देखे अपनी खामियों का पता लगाए जो यहां फोर्थ ऑप्शन में गिवन भी था बस तो निकल गया आंसर आते हैं थर्ड पे अध्यात्म शब्द में ये तो हम लगा चुके हैं गद्यांश गद्यांश के के आधार आधार पर कहा जा आधार पर कहा जा जा सकता सकता है है कि यानी क्या चारों ऑप्शन पढ़ेंगे परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है वैसे तो ज्यादा संभावना है कि सत्य है यही बात सही होगी लेकिन फिर भी देखो इसमें थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग दुख की बात है फिर भी हम एक बार पैसेज पढ़ लेंगे परिवर्तन के बारे में क्या कहा गया है गद्यांश में ठीक है ना तो फटाफट से चाहे तो हम गद्यांश की पूरी रीडिंग भी दे सकते हैं बट मैं सिर्फ टैग वर्ड से पैसेज सॉल्व करा रही हूं यहां पे क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ भी लोगे तब भी याद नहीं रहेगा बस सेंस ही निकाल पाता है इंसान इच्छा से प्रेरित होकर उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले डर डर और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं कि समाज में क्या खामियां हैं उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे मानव अस्तित्व तो त्रिपक्षीय है ये इंपॉर्टेंट है है ना इस तरह का स्पेशली जब डैश वैश लगा करके कुछ विशेष बात बताई हो तो ज्यादा संभावना रहती है कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक अपनी यात्रा के देखने इसके बाद कविता को सॉल्व करना कितना आसान लगेगा आपको अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से यही पूछा था ना ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तन के बारे में पूछ रहा था बेसिकली ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी यानी पूरे पैसेज में किसकी बात हो रही है परिवर्तन की बात हो रही है कि पहले भी आदि काल से जो आदि मानव थे वो भी कुछ चेंजेस लेकर के आए चेंजेस किए उन्होंने कोशिश की एटलीस्ट अगर चेंजेस ज्यादा नहीं हुए तो कुछ पक्ष में हुए कुछ में नहीं हो पाए आज का मनुष्य भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है आगे भी होगा ये तो चेंजेस या परिवर्तन जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा परिवर्तन जीवन का नियम है वही ज्ञान इस पैसेज में दिया हुआ है आप पढ़ेंगे जी ये जो पैसेजेस होते हैं ना जो सीटेट में या किसी भी सीटेट का मैं स्पेशली कह सकती हूँ सीटेट टेट के पैसेज इतने ज्ञानवर्धक होते हैं आपको पढ़ के मजा आ जाएगा बस ज़्यादा मजे मत लेना क्योंकि पेपर छूट जाएगा फिर ठीक तो अगर हम बात करें ये इस बार मैं पैसेज लास्ट में बताती हूँ कि पैसेज कैसे सॉल्व करें मैं लास्ट में भी एक दो सेशन ले लूंगी पेपर आने वाला होगा जब इस बार शुरुआत में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा है चार महीने का समय था लगभग और अगर आप अभी से इस अप्रोच को ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे पैसेज में क्योंकि तीस में से अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है जिनके पैसेज में नंबर कटते हैं उनको दिक्कत होती अच्छा है अच्छा स्कोर करने में क्योंकि चार पैसेज है ना एक नंबर के दोनों ही लैंग्वेज में पैसेज आते हैं वो कह रहा है निशा को दिखाओ कौन है पोल वाली लड़की प्रिया आप नए आए हो है ना निशा को सब जानते हैं यहाँ पे सर्च कर लो आप यूट्यूब पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ शादी वाले ब्लॉग में भी मिल जाएगा ठीक है ना जो हाँ प्रीवियस लोग थे जो पिछली बार तैयारी कर रहे थे उनको सबको पता था दीदी, के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन परिपक्वता को, दर्शाते है, को नहीं, बार, नहीं, होते, नहीं। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है ये बात कही गई है कि आज के मानव भी कल के मानव भी और जो जा चुके हैं मानव वो भी परिवर्तन ही देख रहे थे या कर रहे थे आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका सीधा जाओ आदि मानव के पास Literally मत चले जाना पैसेज में जाना है कहा आदि मानव लिखा हुआ है फटाफट से देखो जल्दी से देखो आदि मानव कहां लिखा हुआ है इच्छा से प्रेरित होकर लोग डड डड मानव कहा है देखिए उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर ड हम देख रहे हैं कौन से ये रहा मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है भौतिक सामाजिक और आध्यात्मिक अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की तो भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में तो प्रगति की लेकिन क्षेत्र कितने थे तीन तो आध्यात्मिक में नहीं कर पाया और ये अंडरस्टूड है कि पुराने लोगों की बात हो रही है तो आध्यात्मिक में नहीं कर पाया यहां भौतिक और मानसिक में तो की ठीक है ना मानवीय संरचना रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं यानी इंपॉर्टेंट परिवर्तन और भविष्य में भी होंगे मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोग लगभग आप डा हाँ देखो ये लिखा हुआ आ, उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी यानी आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी यानी हम ये कह ही नहीं सकते कि उन्होंने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की थी या आध्यात्मिक प्रगति की थी बस तो इसका मतलब उन्होंने भौतिक और मानसिक तो कर ली यानी फिजिकल और मेंटल तो कर ली लेकिन स्पिरिचुअल नहीं हो पाई बस यही तो चाहिए हमें यही तो चाहिए था जवाब में हमें है ना पांचवा सवाल यही तो कहता है आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की हां भौतिक में की हां मानसिक में की हां आध्यात्मिक में नहीं की तो इसको हटा देते हैं चलो भौतिक में की फिर देखते हैं तो मानव ने भौतिक क्षेत्र में भौतिक में तो की ही है क्योंकि क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में नहीं की तो आध्यात्मिक में नहीं की आध्यात्मिक में ये रहा भौतिक और आध्यात्मिक का जो कॉम्बो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल है आप कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन अब आंसर बदलने लग गए हो ऐसी चीटिंग नहीं चलेगी भौतिक और मानसिक पक्ष में अरे भाई पूछा है कहा नहीं की इन दोनों में तो की थी ठीक है ना तो क्वेश्चन को भी पढ़ के जवाब देना है ठीक मानसिक और भौतिक नहीं भौतिक और मानसिक और पूछा नहीं की? की है वो तो पूछा ही नहीं ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक और आध्यात्मिक यानी भौतिक में की आध्यात्मिक में नहीं की अब मानव के तीन पक्ष आपको पता ही अभी यही भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक ठीक है जी तो अगर हम भौतिक की बात करें मानव के कौन से तीन पक्ष हैं सिंपल पूछा है भौतिक मानसिक सांसारिक नहीं आध्यात्मिक भौतिक मानसिक आध्यात्मिक तो उसी क्वेश्चन से यह भी सॉल्व हो गया कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इतने पोल आएगा इतने हम आगे निकल जाएंगे फिर भी आप जवाब दे दीजिए पोल में ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका या इसके बाद भी आई थिंक है एक दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन और है, नौ क्वेश्चन है ना इसमें फटाफट से बताओ सीडीपी जीरो से स्टार्ट करनी है और हीरो बन जाना है बहुत कंफ्यूज हूँ कैसे कहाँ से तैयारी करूँ प्लीज गाइड मी ट्रेवल टू इंडिया नाम है आपका आप बैच में एनरोल हो सकते हैं एक एक क्लास सीक्वेंस वाइज आपको वहां मिल जाएगी <coughs> नहीं कर पा रहे हैं, तो यूट्यूब से प्ले लिस्ट ढूंढ के कर लीजिए वो थोड़ा पुराना सेशन होंगे बट काम चल जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा उल्लेखनीय और अगर आप सीटेट कर चुके हैं उसके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो पेडोलॉजी स्पेशल बैचेस में भी एनरोल हो सकते हैं वहां थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड होती है पेडोगलॉजी क्योंकि वो सीटेट के लेवल से परे है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है अभी हम बात कर रहे थे ना उल्लेखनीय परिवर्तन

और मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे तो उल्लेखनीय परिवर्तन क्या हो, होते हैं ये तो कॉमन सेंस है हिंदी में जिनका उल्लेख किया जा सके जो हिस्ट्री में लिखे जा सके जो बात करने लायक है ना? जिनका रेफरेंस दिया जा सके यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन वही बात यहां लिखी हुई है इसलिए हमने पैसेज पे भी आए थे नहीं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते थे इसको ठीक है जी तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है महत्वपूर्ण परिवर्तन बड़े बड़े नहीं महत्वपूर्ण वो बड़े थे कि छोटे ये तो नेक्स्ट पीढ़ी डिसाइड करेगी एंड ऑल दुनिया भर की बातें वहां लिखी हुई है।, तो हो सकता है वो हमें बड़े लगे ही ना उल्लेखनीय मतलब महत्वपूर्ण वो नहीं जो पुस्तकों में लिखे सेंस समझना है पैसेज 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 का 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 लास्ट क्वेश्चन इस फिर एक छोटा सा नया पैसेज आ जाएगा आपके सामने प्रगति प्राप्त करने व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था आदि मानवों के पास नहीं था सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास आदि मानवों के पास सभी मनुष्यों के पास सभी अज्ञानी मानवों के पास बताओ एक बार फटाफट से जवाब दो दिखाना एक बार लैपटॉप फटा फट से जवाब दो सेकंड बता रहे हैं इसमें भी बहुत ही बढ़िया चले आगे बढ़े लो देखना एक बार हम कह रहे हैं प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका यह बात तो हुई थी कि व्यवस्थित तरीका किसी तरीके की तो बात हो रही थी पैसेज में एक बार चलते हैं वापस से पैसेज पे ही प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था एक बार पैसेज से रेफरेंस ले लेते हैं ठीक है जी ये देखिएगा अगर हम बात करें यहां पे लिखा हुआ था कहीं तो देखना एक बार पढ़ लो आ, बाधा डालने देखो ये रहा बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत नहीं है तो व्यक्तिगत है हमें चाहिए व्यवस्थित ये रहा प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे देखो अच्छा ठीक है अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में डर डर डॉ देखो अगर इसको हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें लग रहा है कि आदि मानवों की ही बात हो रही है यहां पे है ना कि प्रगति प्राप्त करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था तो हमें पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि आदि मानवों की ही बात हो रही है यह है लास्ट क्वेश्चन प्रगति प्राप्त करने का लेकिन लेकिन पे भी आएंगे पहले आप कर लो इसको सॉल्व अगर हम देखें प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था उन्होंने लिखा हुआ है उनके पास नहीं था और उनका मतलब यहाँ पे आदि मानव से है लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं वो भी देखेंगे नहीं था किसके पास नहीं था सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास तो आपने कैसे मान लिया वो अव्यवस्थित थे आदि मानवों के पास सभी मनुष्यों के पास या सभी अज्ञानी मानवों के पास। बताओ फटाफट से, सेकेंड ऑप्शन कह सकते हैं हम यहां ठीक, चलिए आगे बढ़े अब आपके पास एक नया पैसेज है नए क्वेश्चन होंगे इसमें सिर्फ छह या पांच क्वेश्चन है क्योंकि पहले वाले पैसेज में ज्यादा क्वेश्चन थे नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है कविता सिर्फ कितनी है चार लाइन ये और दो लाइन ये छह लाइन की कविता है फटाफट -पट से पढ़ लेते हैं कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो अब मैं इसको उस तरह से नहीं पढ़ रही हूँ जितना इसमें जोश है है ना मैं नॉर्मली ही पढ़ रही हूँ उसको सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो यानी कुछ तो एनर्जी भरने का काम ये कविता कर रही है है ना कि शीश झुकेगा नहीं यानी स्वाभिमान की बात हो रही है एनऑल ठीक है ना बैच तो शुरू हो गया भाई चल रहा है बैच तो पर्वत कौन से बैच की बात कर रहे हो है ना हाँ बिल्कुल ये जनवरी 2024 का है दीदी -दी, स्माइल आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत बढ़िया जी सही कह रहे हो हाँ बिल्कुल करवाएंगे यार डेली प्रेपरेशन टेंशन ले तो भाई चलो डर 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 डा डा बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ इधर वापस से समझते हैं तो शाम को नौ बजे मिलेंगे डेली नीचे दी गई कविता की पंक्तियां क्या है हमने समझ लिया क्या कहानी है आते हैं फटाफट से पैसेज पे इस कविता का मुख्य स्वर क्या है श्रृंगार श्रृंगार की बात हो रही है कहीं प्रेम की सजने की सवरने की ऐसी कोई बात हो रही है नहीं तो देशभक्ति की बात हो रही है देश के बारे में बात की गई है क्या कविता में नहीं क्यों कह रहे हो देश के बारे में देश के बारे में लिखा है ये मनुष्य के स्वाभिमान के बारे में बात हो रही थी आप देश पे चले गए दिखाना जरा देश कहा बात हो रही है सेकेंड ऑप्शन पे लगा, लगे पड़े आंख बंद करके क्योंकि शीश लिख दिया बस देखो एक बार कट गया है 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 शीश शीश पर ये झुका नहीं नहीं राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो मानव के बारे में बात हो रही है उसकी हार उसके अंधकार उसके अंदर जोश भरने की बात हो रही है सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो कहीं देश को लेकर बात हो रही है इसमें कहीं लिख रहा है इसमें है ना और स्वर की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे वीर रस टाइप का कुछ लिखा होता अगर इनको ये देना ही होता तो ठीक है ना तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है फिर क्या होगा भाई श्रृंगार भी नहीं है देशभक्ति भी नहीं है तमस, तमस अंधकार की बात करता है अज्ञानता की बात करता है वो नहीं है ओज है यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में या अलग अलग स्वर या अलग अलग जो आपके रस हैं वो कितने प्रकार के हैं नॉल ओज का मतलब यहाँ पे उत्साह से उत्साह भरने से एनर्जी से उजाला लाने से ये सबसे होता है तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ओझ है ना कि देशभक्ति ठीक है ना मैंने दिखाया ना देश की तो बात ही नहीं हुई सच। अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है अंधकार किसका प्रतीक नहीं है कविता पढ़ने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूं कि अंधकार कहीं लिखा हुआ कितना भी अंधकार हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो एक दिन प्रकाश होता है एनऑल मतलब अंधकार किस का प्रतीक नहीं है ये आपको खुद ही समझ समझना पड़ेगा चुनौतियों का नहीं है समाधान का बुराई का निराशा का हाँ ये सब भी हम मानते हैं समाधान का प्रतीक हम अंधकार को नहीं मानते और कविता में भी सेम बात कही गई है तो सेकेंड ऑप्शन ही सही हो गया फिर आते हैं थर्ड पे समूह से भिन्न शब्द युग्म अब ये तो आप बिना उसे पढ़े पैसेज को कर देंगे सॉल्व शब्द युग्म में यानी पेयर है जो बाकियों से ऑड वन आउट आपको पहचानना है जय पराजय यानी जीत और हार हाँ ये तो बिल्कुल शब्द युग्म है प्रकाश अंधकार हाँ ऑपोजिट हैं एक दूसरे के हार विहार सत्य असत्य हाँ बिल्कुल सौ परसेंट लेकिन ये हार विहार क्या है है ना ये हार विहार क्या है हार विहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही यहाँ पे शब्द युग्म जो है भिन्न हो जाएगा बाकियों से क्योंकि जय का उल्टा या ऑपोजिट या विलोम शब्द पराजय है यानी हार जीत का हार प्रकाश का अंधकार सत्य का असत्य यानी सच का झूठ लेकिन हार का विहार नहीं होता है ना ये हार का विहार वैसे भी ये ऑपोजिट नहीं है ये वैसे होता है आहार विहार आहार मतलब भोजन विहार मतलब जो आसपास की सराउंडिंग है है ना और वो भी ऑपोजिट में नहीं आता वो एक जैसे शब्दों में आता है तो ये अपने आप में यहाँ पे ऑर्ड जो है बाकियों से अलग जो है भिन्न जो है वो थर्ड ऑप्शन ही है और इतना ही हमें चाहिए कोई बहुत बड़ा आपको व्याकरण का विद्वान नहीं बनना कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है सत्य पर राह पर प्रकाश पर के अंधकार पर बताइएगा मन है पढ़ने का एक और बार कविता लो देख लो सबसे ज्यादा बल किस पे दिया गया ये पूछा है कट गया है शीश पर यह शीश है झुका नहीं राह राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो देख लो एक दिन प्रकाश होता है सत्य की विजय सता सदा असत्य की हार हो सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो सत्य की विजय सता सदा असत्य की हार हो यानी सत्य पे जोर है दोनों लाइंस में रिपीट हुआ है और सेंस भी निकल रहा है यानी जोर किस पे है अंधकार पे जोर है नहीं सत्य पे सत्य की जीत पे है है ना तो कविता में सर्वाधिक बल सत्य पे दिया गया है राह प्रकाश अंधकार ये सब सेकेंडरी है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जब आप दो चार छह पैसेज प्रैक्टिस करेंगे अपने आप, आप ये चीज सीख जाएंगे हर कविता के अनुसार सॉरी कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है राही की विशेषता देखो राही कहां लिखा हुआ है राह में रुका नहीं राही उसी का नाम है देखो राही के साथ जाओगे डायरेक्ट मिल जाएगी लाइन सिर्फ राही देखोगे तो की वर्ड है सिंपल सॉल्व हो जाएगा राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं एक दिन प्रकाश होता कितना भी अंधकार हो यानी राही वही है जो रुक नहीं रहा चल रहा है अपने पाथ पे ठीक है ना तो राही की विशेषता हर परिस्थिति में विजयी रहना नहीं उसमें लिखा है कहीं पे अंधकार है कहीं पे उजाला भी मिलेगा इसका मतलब विजय तो नहीं मिलेगी हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में कार्यरत रहना हाँ ये बात सही है हर तरह से काम निकालना तो अपॉर्चुनिस्ट थोड़ी है ये हर तरह के साम नाम दंड भेद सब कुछ लगा के काम निकाल लो नहीं हर तरह के मार्ग पर चलते रहना वो इसी में आ जाएगा कि हर परिस्थिति में कार्यरत रहना तो आपको थोड़ी भाषा भी देखनी पड़ेगी कि कौन सी भाषा है जो सही तरह से जा रही है सही कॉन्टेक्स्ट में जा रही है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए सिर नहीं कटना चाहिए अंधकार नहीं होना चाहिए फिर से कविता पढ़ लेते हैं भाई कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या नहीं होना चाहिए कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं तो भाई ये क्या है स्वाभिमान बना हुआ है ना है ना झुका नहीं मतलब डिसरिस्पेक्टफुल मतलब आप अपने स्वाभिमान को सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराया आपने है ना कुछ भी करके सफलता नहीं तो ये क्या है कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं इसका मतलब स्वाभिमान की बात हो रही है किसी भी परिस्थिति में चाहे वो कटने की नौबत आ जाए बट झुका नहीं तो यानी स्वाभिमान की बात हो रही है सिंपल आंसर तो कोई मुश्किल नहीं है थोड़ा सा आपको समय लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये होपफुली आपके क्वेश्चन ठीक हुए होंगे नहीं भी हुए होंगे तो आपकी एक अप्रोच डेवलप हुई होगी ठीक है ना और ये एक छोटी सी बात थी अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं बिल्कुल हो सकते हैं एडमिशन अभी ओपन है करियर के आप एनरोल कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो बाकी बी और ऊन कॉन्स्टेंट अपने साथ बने रहें कल मिलते हैं कल है नाइन्थ अप्रैल और हम लोग डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कल करने वाले हैं जो आपके चार से पाँच नंबर कम से कम पक्के करवाएगा शाम को नौ बजे नाइन पी एम YouTube यूट्यूब लेट्स लर्न पर ठीक है ना और बैच में हम उससे पहले शाम की क्लासेज में मिलेंगे आज के लिए इतना ही मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रखेंगे सैटरडे संडे कभी ऑफ रखना होगा तो मतलब सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे और देखो ऐसा नहीं है कोई कह रहा है जो यहाँ पे पैसेज होते हैं वो इजी लगते हैं क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ बोल करके पढ़ करके समझा करके चीज़ों को आपको हेल्पिंग हैंड मिल रहा है यहाँ पे मतलब आपको इसका फोल्डिंग मिल रही है यहाँ पे अभी आप जब वायगॉस की पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी तो जब हमें हेल्प मिलती है तो हमें ईजी लगती हैं चीज़ें और हेल्प मिलने के बाद भी ईजी लग रही है इसका मतलब हमें समझ में आ रही हैं चीजें तो आधी प्रॉब्लम सोल्व होगी आधी कब सॉल्व होगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन हो जाएगा काम क्यों क्योंकि समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है बैच की फीस कमी है यार हज़ार बारह सौ ऐसे फीस है अगर आप दोनों तीनों बैच मतलब दोनों बैच ले रहे हैं पेपर वन प्लस टू का कॉम्बो ले रहे हैं तो बारह सौ तेरह सौ फीस है अकेला जो है बैच वो हज़ार रुपये के आसपास है सारे टीचर्स आपको उसमें कंप्लीट पेपर तक इवन एक साल की वैलिडिटी है और आगे वाले बचेज आने वाले बचेज में भी डिस्काउंट रहता है कि कल को आप के की या डी टू एस बी की तैयारी करें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है उसमें डिस्काउंट चलिए खैर आज के पी से लेके सब कुछ मिलता है मंजू बैच में चलिए टेक केयर मॉक टेस्ट से लेके और नोट्स वगैरह सब कुछ कल मिलते हैं नौ बजे शाम को